भाई देखिए, पहले हमारे जो वीडियो आई है उसमें हमने जो प्रेजेंट टेंस था, जैसे तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में जो चार किस्में, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये आपको बताइए। और अब पास्ट की बात, पास्ट का दूसरा नंबर का टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले जो पढ़ा था आपने वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, जिसके आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे। और अब आप सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, वाज या वर्ब। सिंगुलर नाउन की सूरत में वाज लगाएंगे, यानी अगर एक बंदा होता है इसम, सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ आपने वर्ब लगाना है और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस जिसे एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहते हैं, वो आपने लगाना है, ठीक। ये आपके फिक्रे का या सेंटेंस का स्ट्रक्चर का रूल है। इस रूल को जब आपको आ जाता है तो एक आपको बहुत बड़ा चीज समझ आती है। अब मैंने तीन किस्म के सेंटेंस लिखे हैं जो छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ते भी हो, जैसे ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और ये इंटरोगेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब होता है मुस्बत जुमले, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव का मतलब होता है मनफी जुमले, यानी नेगेटिव। और इंटरोगेटिव का मतलब सवालिया सेंटेंस या इंटरोगेटिव। अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि हारिस वॉज प्लेइंग क्रिकेट। हारिस जो है क्रिकेट खेल रहा था, यानी वो क्रिकेट उसने खेली थी। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाए तो हारिस वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हारिस क्रिकेट नहीं खेल रहा था। और इंटरोगेटिव में वाज पहले आ जाएगा, वाज हारिस प्लेइंग क्रिकेट, क्या हारिस क्रिकेट खेल रहा था। तो जब क्या की बात आए तो यहाँ पर आपने पंक्चुएशन एक देनी है, वो उसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, एक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बात खत्म होती है तो हम दूसरी बात देखते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ ही शी इट या कोई नाम, ये सिंगुलर नाउन होते हैं, कोई भी नाम, मसलन अख्तर का नाम, अमजद का नाम, ये नाउन है। अख्तर की जगह जब आप ही लगा देते हैं, या कोई लड़की है सायरा, उसकी जगह शी लगा देते हैं तो ये प्रोनाउन है। और अगर वो लड़की का नाम जो है वो नाउन, और जब उसकी जगह कोई लफ्ज लगाते हैं ही है शी, तो वो प्रोनाउन। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन है, दे ज्यादा लोग हैं। दे वर अटेंडिंग बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन क्लास, यानी ज्यादा लोग हैं जो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन की क्लास अटेंड कर रहे थे, ठीक। दे वर नॉट अटेंडिंग क्लास, वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे, दे वर नॉट अटेंडिंग क्लास। इसी तरह वर दे अटेंडिंग क्लास, यानी क्या वो क्लास अटेंड कर रहे थे, इंट्रोगेटिव। इसी तरह नीचे अदृश्य है, कोई बच्चा है, अदृश्य वॉज प्लेइंग विद हिज कार, वो अपनी कार के साथ खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग विद कार, अपनी कार के साथ नहीं खेल रहा, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव की सूरत में वॉज ही प्लेइंग विद कार, क्या वो कार के साथ खेल रहा था, यानी इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाते हैं बस। और नेगेटिव में इनके साथ नॉट लगता है, पॉजिटिव ये आपके सामने। इसी तरह चैम वॉज शॉटिंग एट हर किड, चैम कोई वुमन है, वो अपने बच्चे या बच्चे किड बच्चे को कहते हैं, उस पर चीख रही है। तो शी वॉज नॉट शॉटिंग एट किड, बच्चे पे नहीं चीख रही। वॉज शी शॉटिंग एट किड, क्या वो बच्चे पे शोर डाल रही थी। तो इसका मतलब है कि ये तीन किस्म की बात, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ये आज आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसका नाम है। इससे पहले हम बाकी के पढ़ चुके हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं। जो जो उम्मीद है जो लोग आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट, तो आपको ये वीडियो मिलती जाएगी, ठीक है।